दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंच गए पहाड़ी स्वर्ग जयंती। यहाँ पर सरस्वती कार्यक्रम हो रहा है और हमारे बीच काफी अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। यह होने वाले काफी गीत और हमारे बीच अभी देख रहे हैं पीछे हमारे कलाकार सुप्रसिद्ध और गौरव भाई साथ में हैं, हमारे पन्नूदा भी है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर काफी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। आज का जो प्रोग्राम वो शानदार होने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर होली के पक्ष में एक आयोजन हो रहा है। चलते करते हैं बातें, हमारे पीछे हमारे बड़े दादा पन्नूदा जी हैं। हम चाहते हैं कि छोटी सी मुलाकात तो करें और जिस तरह से आप मोल बना कर रहे हैं काफी चलता है, इस तरह से हम चाहते हैं। सर थोड़ा सा इधर आइए जरा प्लीज। तो अभी हमारे बीच में हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार संगीतकार और कॉमेडी के भी बहुत सरताज है, इनकी तारीफ करनी कम है। तो सर आज कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? भाई सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और भाई अक्सर हमें कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं और जब भी कभी ऐसे पहाड़ी इवेंट होते हैं और बढ़ चढ़ कर हमारे भाई उसको वीडियो को कवर करते हैं और हम तक ही नहीं बल्कि आप तक भी ये वीडियो पहुंचाते रहते हैं। तो भाई मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ब्लॉग के माध्यम से हमारी बोली भाषा को, हमारी संस्कृति को आप लोगों तक पहुंचा रहे, दिल्ली NCR पहाड़ जहां भी हमारे लोग मौजूद है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि YouTube का जमाना है। तो आपको बधाई और बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जब भी कभी ऐसे फंक्शन होते हैं और अपने लोग मिलते हैं और खासकर हमारे ब्लॉगर जैसे भाई लोग मिल जाते हैं पहाड़ के लोग। और बड़ी खुशी हमें होती है बढ़िया होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आज भी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि होली का प्रोग्राम है और होली में उतना रंगों का त्यौहार है। तो आज पूरे गाने बजेंगे, डांस डूंस धमाल होने वाला है भाई। तो आज पन्नूदा फिर नचाने वाले, सभी को तैयार रहे, बिल्कुल रेडी रहेगा। होली मुबारक, होली मुबारक का एक माहौल यहाँ बना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इससे सस्ते का नाम बताएंगे, जैसे आप भी सर बताइए जरूर बताइए। उत्तराखंड पहाड़ी कुछ मैंने सुना है, कुछ पहाड़ी स्वर्ग करके संस्कृति ऐसा कुछ ऐसा है कुछ? किसका नाम से? अच्छा उत्तरांचल धार्मिक संस्था है जो यहाँ पर काफी अच्छा आज प्रोग्राम करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर एक, पिछली बार भी मैं यहाँ आया था, उस टाइम मैंने शूट यहाँ किया था तो काफी बेहतरीन था, वहाँ माहौल बना हुआ था और आज फिर हमें एक मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर द्वारा कैप्चर किया जाए और उस संगीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आपको जगमगाते रहे और यहाँ का एक दृश्य आपको हम जरूर दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। चलिए बने देखते हैं किस प्रकार से, चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है और हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं। और यहाँ के प्रोग्राम बड़ा जोर शोर से था, पिछली बार भी हम जब आए थे यहाँ पर और ये प्रोग्राम बड़ा जोर शोर से था और आज फिर हम यहाँ पर, हमें एक मौका मिला है, आपको दिखाते हैं। ये उत्तरांचल धार्मिक, ये सामाजिक विकास संस्था है जो यहाँ पर आज कर रही है कार्यक्रम और काफ़ी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। आज होली का पर्व नजर आता है, जिस प्रकार से यहाँ पर होली का उपलक्ष्य है और यहाँ पर काफ़ी क्राउड धीमे धीमे बढ़ रहा है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भी लोग आ रहे हैं सबसे पहले स्वागत किया जा रहा है, टिक पठा से स्वागत किया जा रहा है और सभी का ये होली का जो उपलक्ष्य, सबको मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार से खेलते रहे और एक अच्छा माहौल बना रहे। हर साल की तरह यहाँ पर एक बार फिर मौका मिलता है हमें ये कैप्चर करने का, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग आते रहते हैं और इस चीज़ को देखते रहते हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन तरह का स्थान भी है। और जिस तरह से माता बहने वाली नाचते हुए नजर आ रही है इंद्रारी के गाने पे, तो ये देखिए ये एक अच्छा माहौल बना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी नाचते रहे, गुनगुनाते रहे और इसी तरह से अपने पहाड़ को देखते। आज होली का उपलक्ष्य में नाचना जरूरी हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड वासी नाचते हैं, तभी लगता है कि आज कुछ त्यौहार है। ये देखिए किस प्रकार से नाचते नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वाह जी वाह क्या बात है, बड़े सुबह बहुत अच्छा। इंद्र आर्य नहीं लेकिन फिर इसके गाने पे नाच हो रहा है यहाँ पर बहुत धूम से। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे, काफी लोगों से हमने बात पिछली बार भी की थी, इस बार भी हम चाहते हैं कि बात करें और लोगों से दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर अपनी संस्कृति को, सभ्यता को कैसे संजो कर खा रहे। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा इस बार कैसा करने वाले हो? बहुत ही बढ़िया। तो होली खेलने वाले नहीं खेलने वाले हो? तो किस चीज से होली खेलोगे इस बार? फूलों से। आप किस चीज से खेलोगे? आपका शिमला जा सकते हो क्या? मैं पूनम जोशी जी आज फूलों से खेलने वाली है और अभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस है क्या चीज़ें बताएंगे जैसे मुझे? अच्छा ये रंग तो हरा है, अगर सफेद होता तो अच्छा लगता है, ज्यादा रंगीन चिकन दिखता, कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा रंग है। और कहते हैं हरियाली हमारे उत्तराखंड की है तो बस ये हरियाली यहाँ पर दिख रही है हमारे को, सारी ये असली हरियाली है हमारी दिख रही है। तो इसी प्रकार सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ सारे माध्यम से आप यहाँ पर आज होने वाली, अच्छा एक बार सब बोल रहे हैप्पी होली बोल दीजिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ दिख रहा है किस प्रकार से लोग आए, भीड़ होती है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर खूब सुस्तों से लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ भी चल रहा है, मुझे लगता है पिंक पिंक चल रहा है और लोग पिंक पिंक भी ड्रेस पहन के खड़े हैं। ले आइए फोट खींच लेते हैं आपके, अरे वाह सही है, दिखाते हैं अम्मा बाबू भी आई हैं। ये देखे माता जी, नमस्कार माता जी, कैसे हैं? ठीक हो? अरे वाह ये डांस खेलने कर दो, कर दे रहा है, कर दो
नहीं कर रहे हैं आज। यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत लोग हैं। कैसे सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, कैसा लग रहा है अभी आपको? तो आज क्या होने वाला सर, आज क्या होने वाला है? होली फंक्शन हो रहा है तो सर क्या होली फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पर काफी फैमिली के साथ है। मैं चाहता हूँ इस तरह से आप यहाँ देखने वाले होली का एक बहुत शानदार बहुत, और यहाँ पर हर बार संस्था ये करती रहती है कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो कि यहाँ जुड़े हैं और सिखाते हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सारी महिलाएं जो है हमारे यहाँ पर देखिए कितने से पांच पांच से लोग यहाँ पर पहुँच गए करके। और यहाँ पर देखिए माता जी आ चुकी हैं। होली मुबारक हो जी, कैसा लग रही है अभी यहाँ पर, क्या होने वाला आज, आज क्या होने वाला है? होली खेलने वाले हैं? हाँ चलिए खेलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार देखिए नमस्कार जी, कैसे हैं, कैसे हैं आप, ठीक है? आज क्या कर रहे हैं वहाँ पे, होली खेलना है, आज होली खेलेंगे। हाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बच्चा तो सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं उपस्थित। यहाँ पर सुंदर सुंदर लोग हैं यहाँ पर और यहाँ के कार्यकर्ता भी साथ साथ दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी रखी है जो एनवायरमेंट के साथ खेलने के साथ गई है, जिस तरह से गमले हमले दिखाई गए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से कृषि टीवी इंटरप्राइजेज है और यहाँ पर औरतें लेती हुई सारी हमारी जेवर्स, क्योंकि हर बार हमारे भैया मिलते हैं और ये सभी को जेवर लुटा के चले जाते हैं। भाई सोना लुटो, सोना लुटो, फ्री में सोना लुटो। देखो आप पैसे लुटा के जाते हैं लेकिन वो सोना दे के जाता है आपको, देखिए सोना दे रहा है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर चीज़ें काफ़ी रंगों के साथ यहाँ बना रखा भैया ने और अच्छा लगता है। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें गाँव गाँव की आपको दिख रही है जिसमें भट हट है आपके और भी चीज़ें हैं, सोयाबीन की भी हैं, घेत है और क्या क्या चीज़ आपने भैया रखा हुआ है? राजमा है, लाल चावल है, भांगा है। अच्छा भांगा, भांगा ही नहीं लाई है, सबसे बड़ी गलती इन्होंने कर दी। इस बार भांगा भूल गई है, लाए अभी देख रहे हैं। अगर भांगा मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भांगा की डिमांड सबसे ज़्यादा है यहाँ पर लोगों की, क्योंकि यहाँ पर इस बार बहुत चीज़ें नई नई यूनिक चीज़ भी रखी है। सकता है साथ में मोबाइल और साथ ही स्पीकर भी रखे हैं, इस बार ब्लूटूथ स्पीकर भी दे रहे हैं। अरे क्या बात है, होली का रंग के साथ खिलाने वाले हैं सबको बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर सारे रंग रखे हुए हैं, एक से कलर है यहाँ। तो यार भैया आप थोड़ा सा ना फूल रखते थे और भी मज़ा आता है यहाँ पर। फूल गन वन सब रखे, पटाखे रखे, सारी चीज़ यहाँ पर आज होने वाला है। यहाँ पर खूब सारी अच्छी मस्ती और खूब सारे फूलों के साथ खेलने वाले यहाँ पर लोग। चलते ज़्यादा बातें ना करते और यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड करते हैं और किस प्रकार से क्या कार्यक्रम होने वाला है वो भी दिखाएंगे। हमारे गोपाल दा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पन्नू दा पहुँच चुके हैं और चलिए आगे बातें करते हैं। ये तो बहुत ही सारे हमारे देखिए और मैं चाहता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम चाहते हैं यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पे यहाँ हमारी हमारी माता जी नमस्कार, कैसा, बढ़िया बढ़िया यहाँ पर। और यहाँ पे खूबसूरत लोग पहुँच चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग को अपडेट करूँ आपको। और यहाँ पर काफ़ी अभी क्राउड है जो भी भरने वाला है, जो काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पर छोटी छोटी है जो ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आई यहाँ पर आज होली का पक्ष में सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट होने वाला है। आज काफ़ी लोग हैं जो यहाँ करने वाले हैं, खूब सारी बस्ती, खूब सारा फन और यहाँ पर जिस प्रकार से आए हुए हैं यहाँ पर आज। आवाज आ रही है, देखो हाय करो, हाय करो। देख रहे किस प्रकार से सारी चीज़ यहाँ पहुँचे, हम चाहते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं, गेट एंट्री कराते देख रहे हैं। और यहाँ पर क्राउड है थोड़ा सा, यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग हैं वहीं से बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और चलते हैं हम, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर एंजॉय कर रहे बैठ के, या तो भैया मोबाइल पर लगे पड़े बड़े जोर शोर से। तो यहाँ पर सारे लोग जिस प्रकार दिख रहे हैं, यहाँ कुछ मस्ती हो रही है भाई। क्या हुआ, क्या वहाँ पर कुछ क्या हो रहा था अभी, क्या फन कर रहे थे अभी आप? हम पानी रोक रहे थे। पानी रोका? यस। कैसे रोका आपने? हाथों से। हाथ से रोक दे, बिल्कुल पक्का? yes. यार ये तो गलत बात है, रोकना नहीं चाहिए, पानी को बहने देना चाहिए। ये क्या है, क्या चीज़ बना रखा है यहाँ पे, कुछ बताएंगे? फाउंटेन। फाउंटेन किस चीज़ का फाउंटेन है?
इसमें क्या 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 कला क्या बनी है, क्या क्या आर्ट इसमें बन रहा है? हाथी है इसमें, फूल है, फूल और फ्लावर है और पानी का फुवारा। अच्छा, हाथी को वैसे हमारे इसमें किसको मानते हैं, भगवान में किसे मानते हैं हाथी को? हाँ गणेश। हाँ वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा बच्चा, इसको पता है भाई हाथी जरूर है लेकिन सबसे पहले गणेश जी, क्योंकि हमने एंट्री की तो सबसे पहले गणेश जी की क्या की दर्शन लिए ना हमने, तो इसी प्रकार से अच्छा है। तो अब आज क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोग्राम बताएंगे जरा सा आप मुझे? उत्तराखंड का प्रोग्राम हो रहा है डांस होली का। तो आप क्या करने वाले दोनों के दोनों? हम कुछ नहीं डांस भी करोगे, होली खेलोगे? तो अभी कह रहे हैं कुछ करके, आप कह रहे होली खेलेंगे करेंगे, यार गलत बात है। आप दोनों बताओ, एक चीज बताओ, होली खेलोगे या डांस करोगे? होली खेलोगे। आप क्या करोगे बताओ? हम तो खाना खाने आए। क्या खाने में क्या क्या मजेदार चीजें जो भी बनेंगे, जैसे कि पकोड़े बने तो पकोड़े खाएंगे? अरे वाह, खाना खाना है भाई, तो देख ज्यादा नहीं खाना खाना है। चलो ठीक है, देखिए एक साल से यहाँ पर सारी संस्था है जो कार्य करते हुए नजर आ रही है, और जिस तरह से बेहतरीन तरह से यहाँ पर सारी चीज़ दिखाई जा रही है, क्योंकि हाँ यहाँ लोग जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे से लोग हैं, और यहाँ पर जो है एक कार्यकर्ता है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस फिर दोबारा मुझे एक सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का। सर कैसा लग रहा है अभी, अब यहाँ का कैसा होने वाला है प्रांत बताइए? सर बहुत बढ़िया होने वाला है आज का, बहुत बढ़िया। भगवान इंद्र देव भी खुश हो रहे हैं, थोड़ा सा खुश है, अपनी कृपा बरसा रहे हैं, छींटे डालेंगे। हाँ ये कह रहे हैं कि होली का रंग जब तक पानी से नहीं होगा तो कैसा मजा होगा। छींटे डालेंगे और गुलाल हम डालेंगे, छींटे डालेंगे, दोनों पानी और गुलाल दोनों मिल जाएगा साथ में, फिर अगर रंगीन आ गए तो यहाँ पर काफी अच्छा। इस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, आज अच्छा लगता है इस प्रकार से यहाँ पर स्तर पर सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जितने भी लोग काफी संख्या में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ पर जैसे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा वैसे यहाँ पर कार्य होता रहेगा। और मेरे भाई आगे जय देवभूमि जय उत्तराखंड, तो करने वाले आज कहते हैं होली महोत्सव में धमाल मचाने के लिए आ गए हम लोग, जल्दी मिलेंगे आपको मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए देखिए वहाँ से रील्स बन रही है साइड में, और यहाँ पर पता नहीं क्या मिला, भी कुछ मिल गया है इनको, कुछ क्या मिला आपको यहाँ पे नीचे से, क्या मिला? कुछ मिला यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कुछ ढूंढ रहे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे गिरे, तो अरे वाह इन्होंने तो गलोबंद भी ले, अरे वाह अरे वाह, तो ये लिया मतलब लूट लिया दुकानदार को, आज लूट लिया है, आज लूट लिया तो दुकानदार को, कहते सोना नहीं लेंगे, सोना ले लिया आपने सभी ने, तो भैया सभी ने सोना ले लिया भैया की दुकान से, कहते सोना नहीं लेंगे सोना लेंगे, पैसे देंगे सोना दे दिया भैया, ये गलत बात है आपने, तो पैसे देंगे इनको सोना दे दिया है। चलो भैया अच्छी बात है, यहाँ पर संस्कृति दिख रही है हमारी, और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं अपडेट हैं, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए बलूदा लगे पड़े हैं अपने, और ये छोटे छोटे बच्चे से ज़रा बात करते हैं। अरे रे 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 रे, क्या नाम है आप लोगों का, क्या नाम है बेटा आपका, नाम क्या है? मम्मी को नहीं पता, मम्मी को बताऊँगा। क्या नाम है आपका? अरे विमान। ये बच्चे भाई बताना नहीं चाहते हैं। कौन है अंकल, कौन है, हैं? देर मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जानते हो आप इनको? चलिए आप बात कर रहे हैं, रिपोर्टर कैसे, कौन से गाना गाते हो, रिपोर्टर कैसे गाया गया था सुना ना, क्रीम पाउडर कौन सा गाना गाया था इन्होंने, अंकल ने कौन सा गाना गाया था? नहीं आता। हाँ घिस लिखी ले गाना आपके फैन देखो यहाँ खड़े हुए, मैं लाइव आता हूँ, आप भी भाग के आ रहे हैं यहाँ पे, कौन है? है क्या, कौन सा पढ़ रहा, क्रीम पढ़ रहा, खिसली किले ने है यार, छोटे छोटे बच्चे भी पल्लू भाई के फैन है, तो यार सोचो किस प्रकार से हमारा स्तर यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा पहुँचा हुआ है, और पन्नू दा को सभी प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर पन्नू दा की फैन फॉलो छोटे से लेकर बड़े तक स्तर तक है, और ये देखिए छोटे छोटे पन्नू दा, और जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं किसका ग्रुप हो रहा है, चाहते किस प्रकार से सारे लोग देख रहे हैं और आते जाते आ रहे हैं, और इंद्रदेव भी खुश है हमारे से, कह रहे हैं कि भैया जरूर हम आपके सामने बैठेंगे, और यहाँ एक आनंद का माहौल बना पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ कार्य हो रहा है, चलते ज़्यादा बातें नहीं करते, यहाँ से सारी चीज़ें कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से। अभी यहाँ पर आ चुका है भग्गू भाई का ग्रुप, जो करने वाले हैं अपने नृत्य से हर कार्यक्रम, क्योंकि भग्गू भाई का ग्रुप जहाँ भी जाता है वहाँ कर देते हैं धमाल हो जाता है, और अभी कुछ लोग हैं वो रील्स बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई बात नहीं रील्स भी बनाएं, क्योंकि टाइम मिला है तो रील्स भी बना सकते हैं, तो भग्गू भाई की टीम से करने वाले यहाँ पर होली का। आज हम उत्तरांचल धार्मिक विकास संस्था के पास आए हैं, और रोहिणी के अंदर है ये, और आज का नाला ग्रुप करते हैं बातें ना करते ज्यादा, और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर संस्था के लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबसे निवेदन है कि जल्दी स्टेज पे आए, एक बार दीप प्रज्वलन पे थोड़ा सा सभी लोग हाथ लगाएंगे, सारे कार्यकारिणी सदस्य जल्दी से स्टेज पे आए, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे बीच में मास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार स्टेज पे आए, और हमारे बीच में
ठाकुर सिकरवाल साहब हैं, कृपया स्टेज पे आए। कार्यकारिणी के लोग जल्दी से स्टेज पर आए। महिला टीम जो कार्यकारिणी में है जल्दी स्टेज पर आए, जल्दी। कृपया एक मिनट से अधिक का समय करें। जो भी महिला टीम पुरुष टीम जल्दी से स्टेज पर आए। एक बार दीप प्रज्वलन कर लेते हैं, फिर उसके बाद गणेश वंदना होगी और फिर लोगों को जो भी सम्मान और बाकी चीजें होंगी होती रहेंगी। सभी लोग कृपया, कार्यकारिणी के बंधुओं से निवेदन है जल्दी स्टेज पर आए। मास्टर जी, ठाकुर जी और हमारे संरक्षक महोदय कृपया दिए के पास पहुंचे करें। जोरदार तालियों के साथ इस उद्घाटन का करतल ध्वनि से स्वागत करें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर हमारे आदरणीय मास्टर जय भगवान जी इसका विधिवत उद्घाटन करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ साथ में हमारे संरक्षक डॉक्टर बीसी लोहनी, श्री राम शंकर पांडे जी, श्री गणेशधर जोशी जी, श्री राम सिंह मेहरा जी उनका साथ देते हुए साथ में ठाकुर चक्रवाल जी जो राम लखन लीला समिति के अध्यक्ष भी हैं सेक्टर 24 के, वो भी स्टेज पर यहाँ पर दीप प्रज्वलन में हमारे साथ। कार्यकारिणी के लोगों से निवेदन है घेरा बना ले ताकि हमारी फोटो आ जाए। सारे लोग यहाँ पे घेरा बना दें, अगर कुछ लोग बैठना चाहें तो हम लोग बैठ भी सकते हैं। जोशी जी कुछ लोग आगे आ सकते हैं, आइए पीछे आ जाइए। बदरी विशाल की तो देखिए, ये बहुत दुख और मिलने आ रही, बहुत खुशी की बात है कि रीमा भंडारी जी ने और गोपाल गुसाई भाई ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है गणेश वचना से। जो जस हरी का हरी पराए, जड़ा हो या बदरी के तराए।
अंजू नेगी जी भी है, उनकी भी मखमली आवाज आपको इस मंच के माध्यम से सुनने को मिलेगी। दर्शकों का मैं पन्नू गुसाई हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा हमारे समिति के